दुकान सी ए पिछे अस एक दुकान मतलब कारपोरेशन की असी रेंट पर ली थी। तो सर सारे ने फतेहगढ़ चूड़ियों से होर भी 50 to 60 दुकाना ने जिन्होंने भी दीवार खोल के 2 दुकाना की एक दी हुई है। तो वो अकॉर्डिंग सर असी भी 2 की एक कर दी सी, पर पता नहीं क्यों इन्होंने साड़ी दुकान कल्या ही सील कर दी। बाकी जब कि 40-50 दुकाना होर भी है फतेहगढ़ चूड़ियों जिन्हों चु किसी की भी सील या इस तरह की कोई मतलब कार्रवाई नहीं की गई। नहीं तुम्हें पहले दसा गया सी सर, असी भी यही जवाब दिता सी कि सर असी दुकान की दीवार चो दुकान चो 2 दुकाना कट्ठिया करके असी परमिशन ली सी साहब को, तो वो फीस वगैरह जमा करा के असी काम कंस्ट्रक्शन का शुरू किया। कारण की होया फिर सर ये बारे पता नहीं सर इन्होंने क्यों कला साढ़े ना ही किया जबकि 40 to 50 दुकाना हो गई कार्रवाई की है दुकान सील किया गया की कारण से। हाँ जी, ये दुकाना जिहड़ियां नगर कौंसल की मलकीयत सीगियां 100 नंबर 101 नंबर 102 नंबर ते 33 नंबर दुकान जिहड़ी आ इहदा कट्ठा ही लेंटर पा के ते कट्ठा शोरूम पा लिया जदों के जिहड़ा वा निजमां दे विरुद्ध आ, इस करके प्रॉपर्टी नगर कौंसल ते कब्जा करन दी नीयत नाल कीता गया। नगर कौंसल ने प्रॉपर्टी नूं सील करता। इह पहलां वी वार्निंग दित्ती गई सी मालक नूं? पहला भी वार्निंग दी सी कि तुसीं निजमां दे विरुद्ध ना जाओ, पर यह हटे नहीं। नगर कौंसल ने तो 54 दुकानों की अप्रूवल दी सी, 3 सी शायद, कि तुसीं अलग अलग चबारे पा के 25-25 हज़ार रुपये जमा करा सकते जे, पर वह कराने तों बाद इन्हां कब्जे की नीयत नाल सारा कट्ठा लेंटर पा के उन्हूं कर लिया सी, इस करके